हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा मेहता, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को बृहस्पति देव, तो सीधी चाल चलने वाले हैं, तो कौन सी राशि वालों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो कैसा रहने वाले हैं आने वाले 5 महीने, ऑलमोस्ट आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है 5 महीनों में, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं इस वीडियो में ना कुछ राशि के बारे में बताने वाली हूँ कि जिन राशियों को प्रिकॉशंस लेने हैं, इंक्लूडिंग मीन राशि ऑल्सो, तो कौन कौन सी राशि इसके लिए ये अच्छा है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या क्या चेंजेस आप फील करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। और मैं पहले तो ना जो भी बताऊंगी वो चंद्र राशि से बताऊंगी, आपके मून साइन से बताऊंगी। तो मून साइन कैसे आप चेक कर सकते अपनी कुंडली में बेसिकली, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप यहाँ पर कुंडली देख रहे होंगे, ये आप अपना बर्थ चार्ट खोलिए, अपनी कुंडली खोलिए, जो आपकी जन्म पत्री है वहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा, मतलब वो आपका मून साइन है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 9 नंबर, मतलब 9 नंबर में मून है, तो यहाँ पर इट मींस कि जो इनकी राशि है ये सेजिटेरियस है, और जिसको हिंदी में हम धनु राशि बोलेंगे, तो धनु राशि ऐसे पता चल रही है आपको, ठीक है। अगर आपका 1 नंबर चंद्रमा जिस मून जिधर है और वहां पर नंबर 1 है, तो वो आपकी मेष राशि हुई। इस तरीके से आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि चंद्र राशि, और मैं चंद्र राशि के हिसाब से ही ये प्रेडिक्शंस बताने वाली हूँ आपको कि कौन सी राशि के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए। आप नोटिस करेंगे जो बहुत ही मतलब नॉलेजेबल पर्सन होगा ना, वो बहुत सिंपल सोबर होते हैं। उन लोगों को क्योंकि उनका प्लैनेट जुपिटर एक्टिव होता है और वो बहुत अच्छी नॉलेज आपको देते हैं, बट वो देखने में आपको इतने साधारण लगेंगे, सिंपल लगेंगे बिल्कुल। उनकी टीचिंग स्किल्स इतनी एक्सेलेंट होती है ना, बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में आपको चीज़ें समझाते हैं। अगर किसी की कुंडली में प्लैनेट जुपिटर अच्छा हो जाए ना, तो आपकी लाइफ में कभी पैसे की कमी आपको नहीं रहती है, मतलब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि प्लैनेट जुपिटर गुरु का कारक, गुरु ग्रह है, तो गुरु आप देखेंगे ये अगर ये टीचिंग में होते हैं तो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं ये लोग। तो जुपिटर की मैंने आपको कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताई हैं, और अगर ये जुपिटर खराब होगा तो आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा मोटे होते रहेंगे, आपको पेट की समस्या रहेगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमारा प्लैनेट जुपिटर खराब होता है, तो आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। बट यस, अगर आप ओवरवेट हैं तो कहीं ना कहीं उसका कारण प्लैनेट जुपिटर होता है। बाकी इंडिविजुअल कुंडलीज पे भी डिपेंड करता है कि क्या उसमें प्लैनेटरी पोजीशंस हैं आपकी, तो मैं अब आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन सी राशि के लिए अच्छा रहने वाला है इसका राशि परिवर्तन। सबसे पहले मैं जो बात करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो ये राशि परिवर्तन है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल एज इन कि उन लोगों का आपको पता ही है कि अभी आप लोगों की राशि के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं, और राहु मंगल की राशि में जब आते हैं तो ये लोग बहुत अग्रेसिव, क्योंकि वैसे भी ये लोग थोड़े गुस्से वाले होते हैं, शांत स्वभाव के नहीं होते हैं ये लोग, तो इनका गुस्सा काफ़ी बढ़ सकता है। और वर्क प्लेस पर आप देखेंगे कि कोई या तो अचानक से ट्रांसफ़र के चांसेस आपके बन सकते हैं, या कोई ऐसा मतलब वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, आप प्रेशर फील करेंगे अपनी वर्क प्लेस पर। मेष राशि वाले, चंद्र राशि से आपको ये राशि देखनी है, मून साइन से देखनी है, सन साइन की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ अपने लिए भी प्रॉब्लम मतलब कन्फ्यूज़ ना होए और मुझे भी कन्फ्यूज़ ना करें, क्योंकि आधे टाइम मैं लोगों को यही एक्सप्लेन करती रहती हूँ, मून साइन अलग होता है एंड सन साइन अलग होता है, ठीक है। तो ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है कि चंद्र राशि से आपको देखनी है ये। मेष राशि वाले थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे अपनी वर्क प्लेस पे, वर्कलोड उनको बढ़ा हुआ लगेगा, और हो सकता है कि उनके ट्रांसफर के भी चांसेस हो सकते हैं, ट्रांसफर वो ले सकते हैं या उनका हो सकता है, अचानक से परिवर्तन होने के चांसेस हैं मेष राशि के। अगर आप जॉब करते हैं तो
आपको बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ के करनी है, वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, तो सोच समझ के पार्टनरशिप में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको। और निजी जीवन में आपको आपको एक तो चोट लगने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ अगर जब भी आप ड्राइव करें इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। और आपको पेन, बैक पेन होने के चांसेस हैं, लेग में मतलब जोड़ों के दर्द होने के चांसेस हैं आपको, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और पर्सनल लाइफ में आपकी थोड़ी सी किसी से मनमुटाव होने के चांसेस हैं, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ अपने आप को शांत रखिए। प्लीज़ आपने जहाँ पर भी पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें सोच समझ के ही करें। कोई डिसीज़न, मेजर डिसीज़न, मतलब आपने कोई बड़ा फैसला जो लेना है वो आपको इस 5 महीनों में नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे फ्यूचर में। तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के कोई फैसला लें, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, कोई नई साझेदारी बहुत सोच समझ के करें। अचानक से परिवर्तन हो सकता है आपकी जॉब में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपके बड़ों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, आप देखेंगे कि कोई उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बन रहे हैं इस टाइम पे। तो प्लीज़ अपने घर वालों की आपको सेहत का बहुत ध्यान रखना है, जो आपसे बड़े हैं आपके, अगर आपके दादाजी दादी जी, आपके पिताजी माताजी, तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सेहत का। और साथ में आपको अपनी भी सेहत का ध्यान रखना है, आपको कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था अपनी चंद्र ग्रहण वाली वीडियो में भी। और आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है इस टाइम पे। अब आपको उपाय क्या करना है, आपको ना गाय को वीरवार के दिन आपको केले खिलाने हैं। कोशिश करें कि 5 महीने में आपको जब जब मौका मिले आप गौशाला ज़रूर जाएं, या गाय गुरु मंदिर, इसमें आप केले का दान कर सकते हैं। पर बेस्ट रहेगा कि आप जाकर गाय को केले ज़रूर खिलाएं, या गुड़ ज़रूर खिलाएं, या चने की दाल ज़रूर खिलाएं। दैट इज़ अप टू यू, आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना खिला सकते हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है 1 किलो खिलाना है, 2 किलो खिलाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना खिलाएं। अब दूसरी राशि की हम बात करते हैं। दूसरी राशि है जेमिनाय, चंद्र राशि मिथुन की बात कर रही हूँ मैं अब आपसे। उन लोगों को क्या खास ध्यान रखना है, उनको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर उनका कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ पे अभी प्रॉफिट कम होगा उनको, और अगर आप जॉब करते हैं पहले तो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रॉफिट कम होने के चांसेस बनते हैं, और साथ में आपको वहाँ पर कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और प्लीज़ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, ये एक जनरल प्रिडिक्शंस दे रही हूँ मैं, बाकी इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में दशा क्या चल रही है वो उसका भी इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। और मिथुन राशि वालों को उनके अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के हाई चांसेस बनते हैं। ईगोस्टिक बिहेवियर उनका पैटर्न, मतलब जो उनका बिहेवियर पैटर्न होगा वो बहुत ज़्यादा अकड़ू स्वभाव वो दिखाएंगे अपने पार्टनर के साथ, जिस वजह से उनके आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। और हो सकता है कि उनकी बीवी गुस्सा या नाराज़ होकर उनके, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई के हाई चांसेस बने हुए हैं, तो प्लीज़ आपको कम से कम बोलना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। और अगर आप प्रेशर फील करें अपनी वर्क प्लेस पे, बिजनेस प्लेस पे, तो आपको क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है, और डेली शाम के टाइम पर जाकर आपको शिवलिंग के पास दिया जलाना है। अब मैं बात कर रही हूँ सेजिटेरियस धनु राशि की। धनु राशि के ऊपर बृहस्पति का राशि परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इन लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जिस वजह से ये थोड़ा डिप्रेस फील कर सकते हैं, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं होते तो हर इंसान परेशान ही होता है, तो ये बिल्कुल उस चीज़ का सामना इनको करना पड़ सकता है। इनके खर्चे बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ने वाले हैं, घर के ही खर्चे। हो सकता है कि आपकी माँ का स्वास्थ्य भी थोड़ा इस टाइम पर आप देखेंगे कि बिगड़ सकता है। उनकी अपनी माता जी की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने अभी पीछे अपनी प्रिडिक्शन में जो मैंने अभी चंद्र ग्रहण की प्रिडिक्शन दी थी, मैंने उस टाइम पर बोला था कि फीवर वाला टाइम चल रहा है और खांसी जुकाम का टाइम चल रहा है इस टाइम पर, जो कि वेदर चेंज की वजह से भी होता है। पर इस बारी जो चंद्र ग्रहण था वो बैक टू बैक सूर्य ग्रहण के बाद ही चंद्र ग्रहण था। इस साल का जो जोड़ आ रहा है वो 6 आ रहा है, पर 2-2-2 करके 6 आ रहा है, तो इस बारी मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चंद्र ग्रहण के बाद लेडीज़ की हेल्थ में आप देखेंगे कि
उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। धनु राशि वालों को अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, प्रेम प्रसंग में है, तो उनके दिल टूटने के चांसेस हैं, ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं इस टाइम पे। तो प्लीज आपको ये जो टाइम है कैसे भी करके बहुत शांति से निकालना है। हाई चांसेस हैं इस टाइम पे ब्रेकअप के, तो अगर इस टाइम पे आप थोड़ा ज्यादा शांत रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए आपको एक रेमेडी करनी है, आपको एवरी ट्यूसडे बूंदी का प्रसाद जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है अगर आपकी धनु राशि है तो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ किन राशियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो अच्छा इम्पैक्ट देने वाला है। वो है टॉरस, वृषभ राशि है अगर आपकी, चंद्र राशि, तो आप देखेंगे कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपका जॉब प्रमोशन होने वाला है, आप देखेंगे कि आपको इंक्रीमेंट आपका हो सकता है इस टाइम में 5 महीनों में, और आप कि आप नई नौकरी के अवसर आपको प्राप्त होंगे इस टाइम पे। तो अगर आप जॉब स्विच का सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो यस ये बिल्कुल अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप अपनी जॉब का परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा इस टाइम पर, और कोई लंबे समय से अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा था तो वो इस टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो आपको दोबारा अगर वो चीज़ पेंडिंग में थी तो उसके बारे में सोचना चाहिए, दोबारा से विचार करना चाहिए, तो उसके हाई चांसेस हैं कि आपका वो काम पूरा हो सकता है इस टाइम के अंदर। मैं इसके अंदर लास्ट में उन सब राशियों के लिए भी उपाय बताने वाली हूँ जिन राशियों के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया है, या कॉमन रेमेडीज जो हर राशि वाले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस टाइम पर ना पैरों में दर्द, मतलब जोड़ों में दर्द होने के हाई चांसेस हैं, तो वो सभी राशि के लिए होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप देखिए अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना है वो मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं बात करती हूँ कैंसर कर्क राशि की। कर्क राशि में अगर आपकी कर्क राशि है तो आप देखेंगे आपके बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज आप बहुत टाइम से अवेल करने की सोच रहे थे, तो बहुत अच्छा टाइम आपको मिल रहा है इस टाइम पे। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉफिट के भी हाई चांसेस बनते हैं। आपके आसपास के रिश्ते जो आपके ख़राब हो गए थे वो भी दोबारा सुधरने के चांसेस हैं। आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो आपकी तरफ फेवरेबल हो सकती है। तो अगर कहीं किसी से मनमुटाव चल रहा है, किसी से बातचीत बंद है, तो आप ज़रूर बड़प्पन दिखाएं और बात करें, तो वो भी आपका रिलेशन भी अच्छा होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपकी आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहे थे तो वो भी सुधरने के चांसेस बनते हैं इस टाइम पे। और प्रॉफिट बचत आप कर पाएंगे इस टाइम पे, सेविंग्स के हाई चांसेस हैं अगर आपकी कर्क राशि, आप सेव मनी सेव कर पाएंगे इस टाइम पे, उसका बहुत अच्छा योग मतलब आपको टाइम मिलेगा इस टाइम पे, आप अपने पैसे सेव कर पाएंगे। मतलब आप इस टाइम पर अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको क्या उपाय करना है जिससे कि आपको इसका रिजल्ट और पॉजिटिव मिले, आपको ओम नारायण नमो नमः का जाप करना है। अब मैं आखिरी राशि की बात करती हूँ, आखिरी राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिनकी भी वृश्चिक राशि है आप देखेंगे कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, फाइनेंशियल गेन होने के हाई चांसेस हैं, बिजनेस न्यू मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप देखेंगे कि आपको मिल रही हैं, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे इस टाइम पे। आपको बड़ों का मतलब आपसे वरिष्ठ लोगों का मतलब जो आपसे एज में बड़े हैं उनसे लाभ होने के चांसेस हैं। अगर आपके घर में कोई दादी नानी है उनसे कोई गेन होने के आपके पास मतलब इस टाइम पे आपको हाई चांसेस दिख रहे हैं, फाइनेंशियल गेन होने के हाई चांसेस हैं इस टाइम पे। और आप देखेंगे अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही थी काफ़ी टाइम से, तो आपकी शादी के योग इस टाइम पे खुल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए इस टाइम पे फिक्स कहीं पर। और अगर कोई टाइम बहुत लंबे समय से आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वहाँ पर, या फिर आप कोई काम में इन्वेस्ट कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर अब आपको रिजल्ट दिखने के हाई चांसेस हैं, मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पे आप ये चीज़ भी महसूस करेंगे कि आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव, लोगों का, बड़ों का, बड़ों के सानिध्य में आप रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ों के आसपास रहिए, एंड उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आपकी लाइफ में इन 5 महीनों में। अब मैं आपको कुछ कॉमन रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो कि सभी राशि वाले कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इंडिविजुअल सब राशियों के बारे में बताया ही है और उनको रेमेडीज़ भी बताई है, अगर किसी की मिस हो गई हो तो वो ये रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना है, थर्सडे के दिन येलो कलर के कपड़े ज़रूर वियर करने हैं आपने,
कोशिश करें कि इस टाइम पे आपको नॉनवेज नहीं खाना है, थर्सडे के दिन स्पेशली। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं तो गाय को आपको केले ज़रूर खिलाने हैं थर्सडे के दिन। अगर मंदिर ज़रूर जाएं, कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका शेड्यूल बिजी रहता है फिर भी कोशिश करें कि आप, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनके पैर ज़रूर छुएं इन दिनों में, खास कर अगर आप इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे, और प्लीज़ अपनी और अपनों की सेहत का खास ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली जिन राशियों के बारे में मैंने आपको इसमें मेंशन किया है उन लोगों के साथ तो खास शेयर करें आप। थैंक यू सो मच।